अगर आप देखें तो सरकार दो तरह के हो सकती है। एक सरकार ऐसी हो सकती है जो जनता के लिए काम करे, जिसके नेता जनता का आदर करें, जो आपकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझें, आपके बीच आए, आपसे मिले, जाने कि किस तरह से आपकी प्रगति हो सकती है और उस प्रगति के लिए काम करें। और दूसरी तरह की सरकार और दूसरे तरह के नेता ये होते हैं जिनको सत्ता मिलते ही ये एहसास हो जाता है कि हम बहुत कमा सकते हैं और ये सत्ता हमारी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें जिम्मेदार होने की जरूरत नहीं है, हमें देश के प्रति जनता के प्रति जवाबदेह होने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे पास सत्ता है, हमें पैसे मिल सकते हैं, शोहरत मिल सकती है और हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी यहां आने से पहले मैं आंगनवाड़ी और आशा की महिलाओं से मिली, कितना संघर्ष करती हैं, कितना काम करती हैं, मैं पूछ रही थी, कह रही थी कि टाइमिंग तो 9:30 से 4 बजे तक है लेकिन घर जाकर भी हम काम करते हैं, रजिस्टर भरते हैं, घर का काम भी करना पड़ता है। उन्होंने कुछ समस्याएं बताई, उन्होंने कहा कि उनका मानदेय बढ़ाया नहीं गया है, जो पूरे जीवन के लिए आंगनवाड़ी का काम करती हैं, निष्ठा से करती हैं, प्यार से करती हैं, वो रिटायर होने के बाद ऐसे ही रहती हैं, कुछ उनको नहीं मिलता, कोई पेंशन नहीं मिलता, कुछ पैसा नहीं मिलता जिनसे वो आगे बढ़ पाए, बुजुर्ग हो जाती हैं, पूरा जीवन काम किया है फिर भी ऐसे ही छोड़ी जाती हैं। इसीलिए सबसे बातचीत करके आज मैं एक विशेष घोषणा करना चाहती हूं कि हमारी पार्टी ने तय किया है कि आंगनवाड़ी की बहनों के लिए हम 15,000 तक मानदेय को बढ़ाएंगे। जो मिनी आंगनवाड़ी की बहनें हैं उनके लिए 10,000 तक बढ़ाया जाएगा। आशा की जो बहनें हैं वो जब काम करती हैं तो मुझे मालूम है कि उनको लगातार महिलाओं के साथ रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। कोविड में आंगनवाड़ी आशा बहनों ने कितना काम किया, वैक्सीन लगवाई और बीमारी को झेलते हुए सबकी सुरक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया। इसीलिए आशा बहनों के लिए 8,000 रुपए तक मानदेय बढ़ाया जाएगा। मिड डे मील की बहनों को बहुत कम मिलता है, उसको बढ़ाकर 5,000 रुपए का हम कर पाएंगे। और जो महिलाएं पूरे जीवन काम करती हैं आंगनवाड़ी में लेकिन उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलता, उनके लिए अगर वो रिटायर हो या फिर किसी वजह से, किसी हादसे की वजह से उनका स्वर्गवास हो जाए तो मेन आंगनवाड़ी के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे और मिनी आंगनवाड़ी की महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये सारी स्कीम्स हैं और हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी आपके विकास का काम शुरू कर पाए। आज जो कर्नाटका के साथ हो रहा है वो धोखा है, झूठ है, शर्म आनी चाहिए बीजेपी की सरकार को, उनके नेताओं को, कि इस तरह की सरकार चलाई है जिसका अंत में पूरी पब्लिक नाम रख के जा रही है 40% सरकारा।